10:20 हो रहे हैं और एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ आपको सुनाऊँ। अगर अभी हम लोग जोधपुर में आ गए हैं, अंदर जोधपुर से 30-40 किलोमीटर्स पहले से ही इंटरनेट चला गया। 4-5 दिन पहले यहाँ पे कुछ दंगे हुए हैं और यहाँ पे जोधपुर में कर्फ्यू चल रहा है। यहाँ पे जल्दी से हमें कुछ अच्छी सेफ़ प्लेस मिले तो थोड़ा टेंशन जाए हमारे सिर से, और प्रे फॉर अस हमें अच्छे से सेफ़ प्लेस मिल जाए। यहाँ ये सब खाने की शॉप्स हैं जो अभी खुली हैं, अच्छी बात है। और यहाँ पे होटल है, यहाँ पे पिज़्ज़ा हट है पीछे। हम लोग ने अभी तक डिनर भी नहीं लिया है, पहले हमारा स्टे का कुछ कंफर्म हो जाए फिर हम डिनर के बारे में सोचेंगे। एंड हियर इज़ दी होटल पार्क बुटीक, और लकीली हमें यहाँ पे स्टे मिल गया इतनी रात को भी, लेट नाइट भी। 12 o'clock एंड वी आर चेकिंग इन आर होटल पार्क बुटीक एंड आर रूम इज ऑन 4th floor। वी आर इन द लिफ्ट राइट नाउ। 10:30 बजे ही हमने यहाँ पे पहले रूम बुक किया और फिर हम पहले डिनर खाने गए डोमिनोज में, और फिर हम यहाँ पे 12 बजे सामान लेके आए और यहाँ पे चेक इन किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी 9:30 बज रहे हैं और आज है 8 मई 2022 और हम लोग हैं जोधपुर में सुबह की होटल में। और अभी अभी हम जस्ट उठे हैं और नाश्ता 10 o'clock तक बंद होने वाला है, तो हम लोग फटाफट रेडी होकर नीचे नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। और अभी आपको एक्चुअली बताऊँ तो थोड़ा सा रिलीफ हो रहा है, क्योंकि रात को इतना हम टेंशन में थे कि कर्फ्यू का सुन के यहाँ पे, और हमने सोचा कि हम जाएंगे सब बंद होगा, कहीं स्टे नहीं मिलेगा तो हम इतना लेट रात को क्या करेंगे। बट लकीली हमने बहुत अंदर सिटी में नहीं लिया है स्टे, थोड़ा सा बाहर है। हम प्रॉपर अंदर का जो मार्केट, प्रॉपर जो अंदर सिटी है उससे हमने थोड़े बाहर लिया है, क्योंकि यहाँ पे सबने बताया कि अंदर तो बहुत ही स्ट्रिक्टली सब कुछ बंद कराते हैं, और यहाँ पे अगर कुछ वापस होता भी है वहाँ पे तो यहाँ पे बाहर के बाहर से हम लोग बाहर वापस रिटर्न जा सकते हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पे। तो फिर कल रात को हमने पता है आपको डिनर भी नहीं खाया था, फिर हम डोमिनोज़ में गए और वहाँ पे भी बंद होने वाला था 11 बजे। हमने बहुत रिक्वेस्ट की उनको कि हम बहुत दूर से आए हैं और बाकी सब कुछ रेस्टोरेंट सब बंद हो गई थी, तो बहुत ही रिक्वेस्ट की हमने उनको, तो उन्होंने क्या कि ठीक है चलो हम बना देते हैं आपके लिए। तो हमने वहाँ पे ऑर्डर दिया और पिज़्ज़ा खाया डोमिनोज़ में, वहीं पर बैठ के खाया, और 12 बजे यहाँ पर हमने चेकिंग किया। तो अभी चलो, अभी तो हम उठे हैं फिलहाल। होप ऑल गोज़ वेल टुडे, लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट। लेट मी शो यू नाश्ते में क्या क्या है। ब्रेड बटर, जैम बटर, वाटरमेलन, आलू पराठा, देन अचार, दही, और ये आगे क्या है, सांभर, सांभर के साथ है चटनी एंड इडली। एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज़ उपमा, वेज उपमा, नेक्स्ट आर एग्स, और आगे और क्या है, कॉर्नफ्लेक्स, चोकोस, मिल्क। ये रेस्टोरेंट का मुझे सेटअप बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर उन्होंने ऐसे अलग अलग स्पाइसेस रखे थे छोटे छोटे बैग्स में, और पॉट था जिसमें हम पहले मक्खन करते थे, घी बनाते थे, और जो भी पहले के टाइम में हम जो यूज़ करते थे ये आटा बनाने के लिए, चटनी बनाने के लिए, और बहुत सब पुरानी पुरानी सब जो हमारी जो डिज़ाइन की सब चीज़ें थी जो हम किचन में यूज़ करते थे, वो सब मुझे यहाँ पे देखने मिली। अपना इंडियन कल्चर देख के बहुत अच्छा लगा। 2:45 बज रहे हैं और हम लोग नाश्ता करके तब से रूम में ही एंजॉय कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, और हमने लंच यहाँ पे ऑर्डर किया है एंड आर लंच हैज़ कम, द प्रॉपर ट्रेडिशनल थाली ऑफ जोधपुर। सो कम ऑन, अब हम लंच करेंगे और थाली शाम को चाय पीने के बाद हमारा चेकआउट करने का प्लान है, तो तब तक हम आज रेस्ट करेंगे यहाँ पे। हियर इज़ आर थाली, पनीर की शॉक, रोटी, सब्जी, दाल, भात, दही, रायता, आइसक्रीम, पापड़ एंड एवरीथिंग। हेलो गाइस, 7:05 हुए हैं शाम के और हम लोग सब चाय पी के रेडी हो गए हैं और हम लोग चेकआउट करने की तैयारी कर रहे हैं। बैग्स वैग्स हमने नीचे, बड़ी बड़ी बैग्स नीचे भेज दी हैं, बस अब नीचे जाएंगे, पेंडिंग जो अमाउंट है पे करेंगे एंड वी विल चेकआउट फ्रॉम हियर फ्रॉम जोधपुर। 7:20 हो गए हैं एंड वी ऑल आर सेट इन आर कार एंड फाइनली वी आर लीविंग फ्रॉम जोधपुर। एंड वी आर गोइंग होम। यस, वी आर गोइंग होम, बट बाय बाय होटल। फर्स्ट डिजायर डेस्टिनेशन है हमारा वडोदरा, जो यहाँ से दिखा रहा है 10.25 घंटे। तो पहले हम वहाँ पे, हमारा प्लान्ड डेस्टिनेशन वही है, फिर वहाँ जाके देखेंगे कि कैपेसिटी कैसी है, कि हम और आगे ड्राइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, टायर्ड है जो भी है, वॉट एवर विल डिसाइड देयर। फर्स्ट एटलीस्ट वी हैव टू रीच वडोदरा बाय टुमारो मॉर्निंग।
अभी 10 घंटे लगेंगे, तो अभी 7:30 ऑलमोस्ट बजने को आए हैं, तो सुबह के 7:30 तक हम पहुँच जाने चाहिए, क्योंकि ब्रेक ले लेके दो एक्स्ट्रा 2 घंटा मैं पकड़ के 12 घंटा पकड़ के 7:30 बजे का हमारा अप्रॉक्स टाइम है, कैलकुलेटेड टाइम है सुबह पहुँचने का। सो लेट्स गो गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव, जय वैष्णो देवी, जय माता दी, बाय बाय जोधपुर, बाय बाय जोधपुर। जोधपुर बस स्टैंड रेलवे स्टेशन इज लेफ्ट एंड वी आर गोइंग स्ट्रेट ऑन NH 62। कल का ही रोड जो आगे हम कंटिन्यू करेंगे वो है NH 62। अहमदाबाद होके हम जाएंगे वडोदरा, अहमदाबाद होके अहमदाबाद बाईपास होके जाएंगे, माउंट आबू को बाईपास करेंगे, अहमदाबाद को बाईपास करेंगे, बाद में जाएंगे। Got our first toll. जोधपुर पाली एक्सप्रेस वे। हमारा टिकट क्या? टिकट ना केवल टोल केवल। फास्ट टिकट लाइए यदि आप लोग को पैसे। ऑटोमेटिक बैरियर। जोधपुर पाली एक्सप्रेस वे NH 62। And here we have taken a halt for washroom. और यहाँ पे देखिए हमें क्या देखने को मिला? एक बहुत ही बड़ा आउल। Strange, right? और हम आए हैं डिनर करने यहाँ पे, नमस्ते MH 48। एक गाड़ी उभी है, कैंडी बिस्किट्स, कैंडी चिंकू, वाओ जेलीज, हेलो मुखवास, पॉपकॉर्न, नट्स, व्हाट इज दिस? बिस्किट्स देन काजू बिस्किट्स, क्रीम बिस्किट्स, सो मेनी वैरायटीज। चार आम पापड़, कैंडी, स्किपरमैन, एंड वी हैड मसाला पापड़ एंड पराठा हियर। इट्स 12 o'clock और हमने खाना खा लिया है और बाहर हम झूले एंजॉय कर रहे हैं। चिंकू को झूला इतना पसंद है ना, कहीं पे भी झूला हो तो मिस नहीं करेगी वो झूला खाने का, कुछ भी हो दूसरा कुछ काम उसे छोड़ छाड़ के पहले झूला थोड़ा खा लेगी, इतना फेवरेट है उसका झूला और मेरा भी। 12:08 एंड वी हैव लेफ्ट फ्रॉम दैट ढाबा, हमने डिनर ले लिया है एंड हेडिंग टुवर्ड्स वडोदरा। हजो के वो पेंटिंग के राजस्थान में हो दू That was Sirohi Hill Tunnel. Mount Abu is 46 straight. Ahmedabad is 225. And we have entered to Gujarat. It's 1:35. And this is Palanpur Road. NH 27. दो बज के 5 मिनट हो गए हैं एंड वी हैव रीच्ड पालनपुर। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रोड का काम चालू है, थोड़ा सा रोड ख़राब है, डाइवर्शन है। 3:24 एंड वी हैव रीच्ड मेहसाणा और हम लोग अच्छा छोटा सा कोई ढाबा ढूंढ रहे हैं चाय के लिए। अभी तो फिलहाल यहाँ पे सब कुछ बंद है, बस एक चाय का टपरी मिल जाए तो भी बहुत है। और ऑलमोस्ट 3:30 बजे हमें ये पलवासना में एक चाय का काउंटर दिखा,
और काफ़ी अच्छी चाय थी इनकी, दूध वाली थी, कड़क थी, जैसे मुझे अच्छी लगती है वैसी। एंड 3:42 एंड व्हाट इज़ इट रिटन, वेलकम टू अहमदाबाद महसाना रोड, कम ऑन यस अहमदाबाद वी आर कमिंग। अभी मैंने चाय पी है इससे मुझे जोश आ गया है। और वो लास्ट वाली जगह में चाय बहुत कड़क थी तो चिराग ने वहाँ पे नहीं पी, तो अब हम यहाँ पे आए हैं, थोड़े ही आगे हमें ढाबा देख किया है एंड चिराग इज एंजॉइंग मट्ठी एंड चाय हियर। ढाबे का नाम है होटल खोडल महजाना एंड वी आर हियर एट पेट्रोल पंप, दिस इज सरदार पटेल रोड। सुबह के 5 बज रहे हैं, सुबह के 5 बज गए हैं और अभी हम यहाँ पे फ्यूल भराने आए हैं और सोच रहे हैं कि यहीं पेट्रोल पंप पे आगे थोड़ा सा हम रेस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा आधा घंटा कार में ही, और फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी आगे अहमदाबाद के लिए एक्सप्रेस वे शुरू होने वाला है, तो वो बहुत ही लॉन्ग रोड है और थोड़ा लेज़ी रोड है, उससे पहले यहीं पर हम हाफ एन आवर रेस्ट कर लेंगे फिर आगे जाएंगे। 6:07 ऑलमोस्ट एक घंटा हमने यहाँ पर रेस्ट लिया है and now we are fresh and we will move ahead, we'll move ahead to Vadodara and let's see, chinko bhi ud gayi hai। और 7:30 बज गए हैं एंड वी आर बाईपासिंग वडोदरा। पहले हमने सोचा था कि यहाँ पे हम थोड़ा सा होल्ट लेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि आगे जाना है कि क्या करना है, और अभी हम होल्ट नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, वी आर गोइंग अहेड। और टेम्परेचर है 13 degrees, धूप काफ़ी अच्छी आ रही है, रोड बहुत ही अच्छा है, बीच बीच में ढाबे भी आ रहे हैं। पथकर टोल प्लाजा, होटल गिरनार काठियावाड़ी। अभी 9:45 बज रहे हैं और हम लोग काफी टाइम से 45 मिनट से अच्छी होटल ढूंढ रहे हैं चाय नाश्ते के लिए, और फाइनली अभी इधर पथकर टोल नाके के बाद हमको अच्छी मिली है यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी होटल गिरनार करके, तो चलो चाय नाश्ता करते हैं, हमारे पैर खुले करते हैं, बहुत कूड़ा करा जा काफ़ी टाइम से ड्राइव कर चालिंग ड्राइविंग चालू है, कल 7 बजे से ड्राइविंग चालू है, 7:00 इवनिंग फ्रॉम इवनिंग, तो थोड़ी सी फ्रेश होते हैं। सामान नेवड़ा एंड छटनी फेवरेट। सो गाइस, हम लोग ने अच्छे से चाय नाश्ता कर लिया है और गिरनार रेस्टोरेंट की और गिरनार होटल की बहुत ही यम्मीएस्ट बटेटे वड़े और फाफड़ा और खमन ढोकला और चाय बहुत ही यम्मी थे जो हमने एंजॉय किया, और यहाँ पे थोड़ा हमने 15-20 मिनट रेस्ट भी किया और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी 11 बज रहे हैं और यहाँ से मुंबई दिखा रहा है 296 और राइट नाउ वी आर ऑन NH 48। सी माई बटन यस, तो यहाँ से 5 घंटे है, तो अभी 11 बज रहे हैं, तो ब्रेक के साथ एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एटलीस्ट मैक्सिमम 7 तक तो हम पहुँच ही जाने चाहिए मुंबई। अभी आगे देखते हैं, खुला रोड मिलना चाहिए, ट्रैफिक नहीं मिलनी चाहिए, ट्रैफिक तो है, अभी थोड़ा थोड़ा डे टाइम है तो हाईवे पे भी काफ़ी थोड़ा थोड़ा क्राउडेड है तो उसमें टाइम लग सकता है, बाकी रोड तो बहुत अच्छा है और ढाबे वाबे भी अभी तो आ रहे हैं तो उसका कोई टेंशन नहीं है, पूरा एक्टिव रोड है। कई छह
मुझे सूरत दहीसर टोलवेज। सूरत दहीसर, सूरत दहीसर बोल करे। यस, सूरत दहीसर टोलवेज प्लाजा टोलबोत। 65 रुपीस फॉर कार। और अभी 12:15 बज रहे हैं और नाश्ते के बाद चिंकू को मस्ती चढ़ रही है। नानी किकली बनी थी। It's 12:45 and we have reached Silvassa. Gujarat State RTO Bilad 2700 meters ahead. Aram se, aram se. Iske 5 minute hue hain. Humne yahan pe ye Apex hotel karke hai. Yahan pe washroom jaane ke liye break liya hai aur saath mein hi hamare कार में टायर की हवा भी चेक कर लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है हमने हवा चेक नहीं की है क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है। 40 डिग्री है टेम्परेचर यहाँ पे और काफ़ी टाइम से हाईवे पर रन कर रही है तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है टायर का, हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, हवा ज़्यादा हो जाती है तो वो चेक करना बहुत ज़रूरी है बीच बीच में थोड़े टाइम के इंटरवल्स पर। तो अगर हम लोग चेक करेंगे अभी कट लीजिए। ताराचंद फूड स्टेशन दत्त स्नैक्स। और लंच में हमने बहुत ही अच्छा श्री दत्त का वड़ा पाव, मिसल पाव, भगत तारा चंद के पराठे, लस्सी सब कुछ एंजॉय किया। और पराठे ब्रेड हैं, इट वाज नॉट ब्रेड, इट वाज आलू पराठा। आलू पराठा, यस। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर होम मुंबई। मुंबई, यस। We are still on NH48 और आगे जाके ही आई थिंक हार्डली 45 किलोमीटर्स के बाद वो फाटा आएगा गोरबंदर रोड के लिए। या तो फिर हम वहाँ से जा सकते हैं या तो फिर हम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से सीधा सीधा जा सकते हैं। तो मैप में तो पहले वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे दिखा रहा था बट अभी वो गोरबंदर रोड वाला रोड दिखा रहा है। तो 45 मिनट्स के बाद फाउंटेन होटल आएगा, वहाँ पे हम मैप चेक करेंगे और जो भी फटाफट हमें पहुँचाएगा जहाँ पर ट्रैफिक कम होगी वो रूट हम पकड़ेंगे। वो हमको फटाफट पहुँचाएगा, हम घर पे मुंबई पहुँच जाएंगे। And here we reached at Hotel Fountain and we are going to go from the left from the Ghodbandar road because wahi se quickest road dikha raha hai. Guys, it's 4:09 और थाना का चेक नाका आ गया है। सो आफ्टर क्रॉसिंग दिस टोल नाका वी आर ऑफिशियली एंटरिंग इन टू मुंबई एंड नाउ चिराग इज टायर्ड, एग्जॉस्टेड और ये लास्ट के जो आधा घंटा बचा है वो निकालना अभी मुश्किल हो रहा है बट इट्स अ ग्रेट, इट्स अ बिग अचीवमेंट। हम यही गाड़ी में कहाँ जाके आए, कहाँ यहाँ से नॉर्थ इंडिया, कटरा, ईस्ट इंडिया, पहलगाम,
एंड कश्मीर, अभी साउथ इंडिया बाकी है जाना। बहुत लाइन है टोल के लिए। हम लोग ने सोचा था कि हम 7 बजे पहुंचेंगे, बट अब 4 बजे ही पहुंच गए यहाँ पे। काफी जल्दी कवर अप हो गया सब कुछ। एंड हियर इज आवर मेमोरेबल मोमेंट एंड वी एंटर्ड इनटू मुंबई। ये हिप हिप हुर्रे, 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 हिप हिप हुर्रे। एंड सक्सेसफुली वी हैव डन दिस ट्रिप फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर एंड कश्मीर टू मुंबई। वुहू, इट्स सच अ ग्रेट बिग अचीवमेंट फॉर अस। अभी घर पहुंचने में 20 मिनट है। चलो आपको घर पहुंचते ही हम मिलते हैं। आ गए वही सब रोड। जाने पहचाने रोड, जाने पहचाने MH की गाड़ियाँ, वही ब्लैक एंड येलो रिक्शा। कहाँ गए थे और कहाँ वापस आ गए। कहीं पे भी वर्ल्ड में घूमने जाओ, वापस लौट के तो घर पे ही आना है। कहीं भी जा लो, कुछ भी कर लो, घर पे तो आना ही आना। 15-20 दिन से ज़्यादा बाहर नहीं घूम सकते, आपको 15-20 दिन के बाद घर पे आना ही है। यही है मुंबई की सड़क, मुंबई के डिवाइडर, मुंबई के पेड़, मुंबई का रोड, मुंबई की बाइक्स, मुंबई की टैक्सीज, उबर। मुंबई 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 करके बुलाती है। एंड वी आर प्राउड टू बी अ मुंबई का। ओह ये देखिए मुंबई की स्पीड, और कटा इसका चलान। अच्छा 1000 रुपीस बराबर कैमरा ना समझ क्यों। तो गाइस फाइनली वी आर एट होम। आज है 9th May, अभी बज रहे हैं शाम के 5 और 27th को हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी दोपहर को, और पूरे टोटल 13 दिन हो गए हैं। और 13 दिन में हमने हमारी कार से मुंबई टू कटरा टू वैष्णो देवी टू कश्मीर टू पहलगाम टू जम्मू, और ऐसे पूरे ट्रैवल में हमने 6 स्टेट्स पार किए हैं। एंड इट फील्स अ सो ग्रेट जॉय, सो प्राउड मोमेंट, अ बिग अचीवमेंट। हाउ आर यू फीलिंग चिरा? फीलिंग ग्रेट। ऑल क्रेडिट गोज टू दिस ब्रेव बॉय जिसने पूरे इतने लंबे, आई थिंक 2400 किलोमीटर्स जाने के और 2400 किलोमीटर्स आने के हुए हैं, और इतना अच्छा फील हो रहा है। फर्स्ट टाइम हमने हमारे लाइफ में हमारी खुद की कार से, खुद से ड्राइव करके हम लोग मुंबई टू कश्मीर गए और वहाँ से रिटर्न भी आए सक्सेसफुली एंड फील्स वेरी प्राउड मोमेंट। हिप हिप हुर्रे। और पल्स हो रही है अंदर, तो उसने मिस कर दिया ये वीडियो, पर कोई बात नहीं है, वो थकी हुई है, शी स्लीपिंग इनसाइड द कार। एंड दिस इज अ स्टेटस फ्रॉम क्लियर कश्मीर। कश्मीर से हमने इसे पर्पसफुली वॉश नहीं कराई है, देखने के लिए कि मुंबई आने तक ये कैसी रहती है। लुक एट दिस, दिस इज आवर जर्नी। ये स्टेन्स, ये मिट्टी हमारे जर्नी की, ट्रैवलिंग की निशानी है, मेमोरी है। और अभी इसके आगे जो भी होगा सब वीडियोस में एडिट करके आपको यूट्यूब पे दिखाऊंगी क्या क्या है। उसमें टाइम लगेगा, काफ़ी एडिटिंग करनी है। और आगे की ट्रिप नेक्स्ट क्या होगी वो हमें भी पता नहीं है। ये भी ट्रिप हमारी बहुत ही सडनली बनी थी, अनएक्सपेक्टेड बनी थी, विदाउट एनी प्लानिंग बनी थी। 10 डेज़ के अंदर हमने ये प्लान किया और अचानक से डिसाइड किया हमने ट्रिप बनाई, तो हमारा हमेशा का ऐसा ही होता है। सो लेट्स प्रे फॉर अस, ऐसे ही हम अच्छे अच्छे ट्रिप्स करते रहें, आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाते रहें। सो गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। चिराग से बाय बाय बाय, एंड चेक आउट अवर व्लॉग।